किसकी गलती है? Excuse me, गाय को पत्तल तुमने खिलाया, इसमें मेरी क्या गलती है? पर ध्यान तो। गाय माता तो शान से निकल गई, अब हम क्या करेंगे देवी मैया? खुशी तुमने बताया ना, मेरी क्या गलती है? ओके, जस्ट रिलैक्स। हम परेशान होंगे ही ना, पता नहीं खाना कैसे लगाएंगे प्लेट्स में। क्या शादी में भोजन स्टील के प्लेटों में? आपको क्या लगता है सब आपकी तरह छुरी और कांटे से खाना खाते? मतलब शादी है अर्नब जी, और परंपरा यही है कि मेहमानों को पत्तल में ही खिलाया जाता है। पता नहीं इतने सारे पत्तल हम कहां से लाएंगे। ओके, जस्ट रिलैक्स, मैं भी आता हूं। पर आप अर्नब जी, खुशी में पत्तल ले आओ, इतने बहुत होंगे। 10-15 लोगों को बुलाया है, 10-15 हज़ार नहीं, आप तो पूरे शहर के लिए पत्तल लेकर आए। शादी में चले गए, अब आप ऐसे कैसे कर सकते? खाने का समय हो गया और आप हमें अभी बता रहे, तो फिर खाना कौन परोसेगा? इससे बात करना ही बेकार है। मेरे ख्याल से वेटर्स को खाना सर्व करने के लिए कह देना चाहिए। वेटर, कोई नहीं आ रहा है, हमें सब कुछ खुद ही करना होगा। सरप्राइज के लिए वेट कर रहे हैं। बस करो खुशी, कितना खिलाओगी? बिटिया पूरे महीने भर का खिलाऊंगी क्या? खुशी? हाँ? बड़ा तगड़ा इंतजाम किया है मधुमति जी ने, 5-स्टार होटल से वेटर बुलवाया है। Thank you.
अर्णव जी, आप ये सब, तुम्हें हेल्प चाहिए थी ना? हाँ, पर तुम ये पूरियां लेकर जाओ, मैं आलू की सब्जी लेकर आता हूँ। बेटा पानी देना। मासी जी, क्या पीटर नहीं है? थैंक यू। यू आर वेलकम। आप तुमने मरवाई देंगे माता जी, ये वेटर नहीं अर्णव सिंह राय दादा है। जी जी के जेठ जी। लगता है आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये कोने वाली कटोरी ठीक कर दीजिए ना, गिर जाएगी। आओ, ये वाली? नहीं, कोने वाली। ये आपको कोने वाली समझ में नहीं आती क्या? हम इस खुशी सब अंडर कंट्रोल है, तुम ठीक हो? खुशी, थैंक यू, शाम को बोल देना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।